हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है आइनोक्स विंड। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब देखो यहाँ पे इसमें बात करते हैं इसमें शेयर के बारे में। ये देखो इसमें 2015 का यहाँ पे अप्रैल का हाई था यहाँ पे 123-124 रुपये के आसपास। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको मार्क करते हैं। यहाँ पे इसने इसका ब्रेकआउट दिया अभी रिसेंटली, यहाँ पे 4-5 महीने पहले, यहाँ पे फरवरी में 2024 में। अब वापस इसने एक बार उस जगह पर जून में रिटेस्ट भी करा था। जून में देखो 3 जून 4 जून के टाइम के आसपास तो मल्टीपल शेयर से जिन्होंने यहाँ पे अच्छे खासा डिप लगाया था। ठीक है, तो उस जगह के आसपास ने यहाँ पे एक बार रिटेस्ट करा। इनकेस कभी भी अगर ये 130 से लेकर 125 अगर कहीं भी रेंज के आसपास वापस आता है, 130-135 किस टाइप की रेंज के आसपास आता है, बिल्कुल देखो 123 तो आएगा नहीं यहाँ पे, जरूरी नहीं है हमेशा आए इस जगह, तो 130 से लेकर 135 की रेंज के आसपास आता है तो भी एक बाइंग के लिए अच्छी सपोर्ट रेंज हो जाएगी यहाँ पे, जहाँ पे हम इसको एडिशन के लिए प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा सपोर्ट लेवल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये तो हुआ यहाँ पे इसके मंथ टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब हम बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से। वीकली पे देखो तो यहाँ पे क्या ना एक पैटर्न बना रहा है, इसको फॉलो करेंगे अगर इसको देखेंगे, यहाँ पे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, ऊपर नीचे इस तरीके से अगर ये पैटर्न बना रहा है बार बार। और अभी वापस से क्या कर रहा है ये वापस से इस पर इसको ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है यहाँ पे। तो मैं एक बार थोड़ा ड्राइंग हटाता हूँ सारी वापस से ये। ठीक है, तो ये यहाँ से इसमें वापस ब्रेकआउट देने की तैयारी कर रहा है, जिसमें आप वापस इसको फोकस कर सकते हैं। वीकली भी अगर देखें तो ये स्ट्रेंथ शो कर रहा है यहाँ पे। इसका लेवल क्या बन रहा है यहाँ पे वीकली पे भी एक रिजेक्शन का, तो उसको मार्क करते हैं यहाँ पे। देखो ये लेवल आ रहा है इस जगह के आसपास 177 के आसपास। अभी इसने इस वीक में हाई क्या लगाया था यहाँ पे, वो हाई लगाया था 175 के आसपास का यहाँ पे, थोड़ा बहुत उसके पहले यहाँ पे इसने थोड़ा ब्रेक ले लिया अभी, और पर यहाँ पे अभी फिर भी स्ट्रेंथ इसमें नजर आ रही है यहाँ पे देखो। और विद वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे गिरावट आई थी उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ थोड़ी उसने शो करी, उसके बाद 2 दिन से यहाँ पे थर्सडे को और फ्राइडे को, मतलब सॉरी थर्सडे फ्राइडे का, मतलब 2 वीक में यहाँ पे इसने अच्छी खासी इसने वॉल्यूम भी जनरेट होने लगी है इसमें यहाँ पे। ठीक है, तो इस वीक में देखना है यहाँ पे कि अगर फॉलोअप में यहाँ पे अगर इसको जो हाई है 175 के लेवल को ब्रेक करके अगर ऊपर निकलता है, और 177 के यहाँ पे लेवल को ब्रेक कर जाता है, 175 के लेवल और 177 के लेवल को ब्रेक कर जाता है इस वीक में, तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे अपसाइड में देखने को मिल सकता है यहाँ पे वो वीकली के हिसाब से। एक बार हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से डेली पे क्या कंडीशन लग रही है। डेली पे देखो अभी यहाँ पे अगर हम देखें तो 4-5 दिन से मतलब बैक टू बैक ही नेगेटिव कैंडल बना था, रेड कैंडल बना था। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम्स ऐसे पहले भी इस तरीके कर सकता है, फिर एक ब्रेकआउट देता है, उसके बाद थोड़ा सा रेंज में रुकता है यहाँ पे, उसके बाद फिर वापस एक ब्रेकआउट देता है, उस तरीके से पैटर्न इसका चलता है। आप अगर इसके पैटर्न देखेंगे तो ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा रेंज वापस प्राइस वाइज करेक्शन आता है, फिर ऊपर निकलता है फिर प्राइस वाइज करेक्शन, तो इस तरीके से पैटर्न चलता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर इसने ये ब्रेक कर दिया 177 का लेवल अगर डेली टाइम फ्रेम पे भी इसने, तो फिर अच्छा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इसके ऊपर कोई रिजेक्शन है भी नहीं इसमें। और डाउन साइड में अगर यहाँ पे कब आता है, अगर ये डाउन साइड में कोई आता है लेवल इसका, तो ये सपोर्ट लेवल हो जाएगा इसका 158 के आसपास यहाँ पे, ये एक बार होएगा डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे। ठीक है, तो हमें अगर तीनों टाइम फ्रेम के हिसाब से देखना है यहाँ पे कि क्या कंडीशन दिख रही है यहाँ पे, तो उस हिसाब से यहाँ पे इसको आगे के लिए प्लान कर सकते हो यहाँ पे। इसमें कोई मेरी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, बस जो टेक्निकल हिसाब से मुझे अच्छा लगा यहाँ पे चीज़ बताने के लिए मैंने आपसे शेयर करा है यहाँ पे। और जितना इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे शेयर उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है अभी यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसने काफ़ी टाइम की एक रेंज थी उसको ब्रेक करा इसने यहाँ पे भी, तो अब अगर अपसाइड में मोमेंटम देखने को अच्छा मिल सकता है यहाँ पे। और बाकी अगर डेली टाइम फ्रेम पे छोटे मोटे डिप अगर आते हैं तो एक बाइंग के लिए अच्छा सपोर्ट लेवल हो सकता है, और जब तक मार्केट में कोई ऐसा नेगेटिव अभी इंपैक्ट नहीं आता तब तक शेयर वगैरह में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर कोई सेलिंग आनी है तो मार्केट इंडेक्स पहले उसको रिप्रेजेंट करेगा, जैसे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। उनमें अगर सेलिंग आएगी तो फिर शेयर्स वगैरह में भी वो थोड़ा बहुत नेगेटिव पैटर्न देखने को मिल सकता है, और जब तक नेगेटिव नहीं है तब तक यहाँ पे इसमें हम एक अच्छा मोमेंटम देख सकते हैं यहाँ पे बन सकता है इसमें। और अभी थोड़ा बजट वगैरह आ रहा है तो बजट के पहले थोड़ा बहुत वॉलेटाइल दे सकता है मार्केट, तो उस हिसाब से प्लान देना, क्वांटिटी वगैरह थोड़ा सा कंट्रोल करना, बस 10-12 दिन की बात है फिर सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, तो उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल है यहाँ पे। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।